नमस्कार आदाब, मेरा नाम के पांडे है और एक बार मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर के मेरे अपने चैनल जिसका नाम है त्वस्त्र तथागत। इसमें हम बात करते हैं उर्दू की, मैथोलॉजी की, इंडियन कल्चर की, इंडियन हिस्ट्री की और कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं दब सी गई। आज हम आपको लेकर के चलेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और मिलवाएंगे वहाँ की एक शायरा को जो बहुत ही माकूल शायरा हैं दुनिया जहाँ में। उनका नाम है सारा शगुफ्ता। बड़े कम ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं। शायद जो तकसीम हुआ है देश और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा है उसमें जो कई ऐसी आवाज़ें हैं उर्दू की या हिंदी की या जो हमारी सारी संस्कृति की सारी आवाज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दब गई हैं, मर गई। सारा शगुफ्ता उसी एक सिलसिले का नाम है। इनका जन्म गुजरावाला में हुआ और जो इनके अब्बा थे, जो इनके पिता थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा और किसी और के साथ चले गए। अब चूंकि बहुत ही गरीब परिवार से थी और गुजरावाला से थी, पाकिस्तान से, वहाँ पे इनकी रिहाइश थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फूल पिरो पिरो करके ये माँ बिटिया जाया करती थी बाज़ार में और उसको बेचा करती थी और उससे वो जो है किसी न किसी तरीके से पैसे कमा करके अपने जीवन का कार्य करती थी। पढ़ने का इनके अंदर एक अदम्य इच्छा शक्ति थी, ज़बरदस्त सोच थी इनकी कि भाई हमें पढ़ाई करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। उसका कारण नहीं था कि पैसे नहीं थे इनके पास में। 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी करा दी गई। शादी जो है इनकी बड़ी असफल रही, बड़ी नाकाम रही। इस शादी ने इनको 3 बच्चे दिए और जो इनको हर दिन घर चलाने के लिए जो पैसे दिए जाते थे उसमें से कुछ पैसे बचा लेती थी, 25 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, और वो पैसे बचा बचा के उन्होंने किताबें खरीदी और किताबें खरीदने के बाद उन्होंने 9वीं की जो परीक्षा है, जो 9वीं का पर्चा है, उन्होंने दिया और क्लियर कर लिया। उसके बाद इनका अपने पहले पति से तलाक हो गया जिनके साथ इनको 3 बच्चे थे। 3 बच्चे लेकर के इनका जो हस्बैंड है वो चला गया। बाद में वो तलाक के बाद वो जब कोर्ट पहुंची और वहाँ पे उन्होंने दाखिल की अर्जी कि भाई तो हमारे बच्चे हमारे साथ में रहने चाहिए, तो अंतोगत्वा जो कोर्ट है उन्होंने इनके हक में फैसला किया और तीनों के तीनों बच्चे इनको वापस मिल गए। कुछ दिन निकल गए, एक दिन इनके जो शौहर थे जो अब नहीं रहे, इन अ सेंस कि अब उनके शौहर नहीं रहे, वो तलाक हो गया, वो इनके पास में आते हैं और कहते हैं कि हमें 3 बच्चे दे दें, हम कुछ दिन के लिए इनको लेकर के अपने गांव जाएंगे और उसके बाद आपको वापस कर देंगे। जब इन्होंने कुछ नानुकुर की होगी तो उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख करके कहा कि देखिए ऐसा है कि हम कुरान के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि हम बच्चे को आपके वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना वापस करने का, तो उन्होंने बच्चे दे दिए, बोले जाइए। और उसके बाद से एक लंबा इंतज़ार उनका चलता रहा कि बच्चे कब आएंगे। बच्चे तो नहीं आए लेकिन मौत आ गई और 29 वर्ष की आयु में कराची में इन्होंने गाड़ी के आगे कूद करके, ट्रेन के आगे कूद करके खुदकुशी कर ली। पहले पति से तलाक और खुदकुशी के बीच का जो एक अरसा था तकरीबन 5 साल का, इसमें इन्होंने कोई तकरीबन 3 शादियाँ और करी। हर जगह उनको मोहब्बत की तलाश थी, ऐसे इंसान की जस्तजू थी जो इनके साथ में रहे, इनको समझे और इनको आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फैमिली प्लानिंग के दफ्तर में इन्होंने काम करना चालू किया। वहाँ पे एक शायर किस्म के इंसान थे उनके साथ ये थी और उन्होंने कहा भाई हमसे शादी कर लें आप, तो उन्होंने कहा चलो भाई हम शादी कर लेते हैं आपसे। उनके साथ उनकी शादी हो गई। अब जो इनके दूसरे शौहर थे उनको ये लगा कि जो उनके घर में नशिस्त बैठती थी और जगह जगह से लोग आया करते थे, शायरी होती थी और डिस्कशंस होते थे, तो उनके एक साथी शायर थे, उनको लगा कि जो उनकी पत्नी है उनके मोहब्बत का शिकार है। तो एक दिन गुस्से में आके उन्होंने उठा करके उनको तलाक दे दिया, तो उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। अब जिस शायर के पीछे इतना बवाल खड़ा हुआ, वो शायर के अंदर एक अपराध बोध का भाव था। उसने कहा भाई हमारे कारण इतना बड़ा हो गया कांड, तो वो बेचारे पीछे पड़ गए सारा शगुफ्ता के। उन्होंने कहा भाई हमसे निकाह कर लीजिए आप, अब हमारे कारण आपकी ज़िंदगी तबाह हुई है, कम से कम हम उसको बनाएं। तो इन्होंने कहा चलो भाई आपके साथ, तो वो रही उनका तीसरा विवाह, तीसरा निकाह, वो भी असफल रहा, प्यार ढूंढती रही, चौथा हुआ। इधर बीच में उन्होंने 4 बार खुदकुशी करने की कोशिश करी और बाद में जाकर के कराची में उनकी डेथ हो गई। ट्रेन के आगे उन्होंने अपने आप को फेंक दिया और वो ख़त्म हो गई। मजे की बात यह है कि सारा जो थी वो एक इकबालिया शायर थी, समाज के विरुद्ध एक
सोसाइटी के अगेंस्ट, एक माशरे के अगेंस्ट, एक रूढ़िवादी परंपरा के अगेंस्ट, एक ऐसी परंपरा जिसमें कि औरत के पास ना बोलने की, ना बात करने की, ना खड़ा होने की इजाज़त है, वहाँ पे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी और एक अपने शौक और अपने जज्बे को, अपने विद्रोह को सामने रखा। आज भी अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, वहाँ पे इनकी शायरी से ज़्यादा जो लोग दखल रखते हैं वो इनकी जाति ज़िंदगी में रखते हैं, इनकी चार शादियों में रखते हैं, किस कारण से इनके तलाक हुए हैं उसके ऊपर रखते हैं, कुछ विवादित जो इनका जीवन रहा है उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। लेकिन जो इनकी शायरी है, जो लेयर्ड शायरी है, लेयर्ड पोइट्री है, उसके बारे में काफ़ी कम लोग या तो बोलते हैं या तो जानते हैं, इसके ऊपर शोध हुआ है। शायद किसी सिलसिले में इनकी अमृता प्रीतम से मुलाकात हुई और उनके और उनके बीच में खतों का एक सिलसिला सा चल पड़ा। कई साल तक खत चलते ना, मेरे ख्याल से 4-1 साल तक। जो इमरोज थे, जो अमृता प्रीतम के मित्र थे, वो इन उर्दू के खतों को बाँचते थे और अमृता प्रीतम उनको सुनती थी और फुट फुट के रोती थी, क्योंकि अमृता प्रीतम ने सारा शगुफ्ता को एक ऐसा दोस्त मिला, एक ऐसा हमसफ़र मिला जो उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को समझता था और जीने का एक नया मंसूबा उनके अंदर डालता था। आज जो भी हम सारा शगुफ्ता को जानते हैं या जो भी हमारी जानने की कोशिश है उनको लेकर के, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो अमृता प्रीतम की एक किताब है जो उन्होंने सारा शगुफ्ता के ऊपर लिखी। यह किताब एकमात्र जरिया है सारा शगुफ्ता को जानने का। सारा शगुफ्ता की नजमें जो उन्होंने खतूत के जरिए, पत्रों के जरिए अमृता प्रीतम तक पहुँचाई, उनके मसाइल, उनके मसले जो उन्होंने खतों के जरिए अमृता प्रीतम तक पहुँचाए, हमारे पास में यही एक जरिया है इस शायरों को जानने का। सारा का सारा जीवन बड़ी कठिनाइयों, बड़ी मुसीबतों में गुजरा। पढ़ाई का उनको शौक था, शायरी करने लगी और उन्होंने कुछ 2-3 पन्ने ऐसे लिखे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के हालातों का जिक्र किया है। और माफी चाहता हूं कि मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ये आपको बताएंगे सारा शगुफ्ता के बारे में कि किस तरीके से जो दर्द है, जो पेन है, किस तरीके से उन्होंने सारे के सारे दर्दों को नज़मों की तरफ मोड़ा, शायरी की तरफ मोड़ा और अपने समय की और आज की इतनी बड़ी शायरा बन के उभरी। सारा शगुफ्ता लिखती हैं और मैं पढ़ता हूं। आज से 5 बरस पहले कहने को एक शायर मेरे साथ फैमिली प्लानिंग में सर्विस करता था। मैं बहुत बानमाज होती थी, घर से ऑफिस तक का रास्ता बड़ी मुश्किल से याद किया था, लिखने पढ़ने से बिल्कुल शौक नहीं था। इतना जरूर पता था कि शायर लोग बड़े लोग होते हैं। एक शाम शायर साहब ने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर एक रोज रेस्तरां में मुलाकात हुई। उसने कहा, शादी करोगी? दूसरी मुलाकात में शादी तय हो गई। अब काजी के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा, आधी फीस तुम कर्ज ले लो और आधी फीस मैं कर्ज ले लेती हूं, क्योंकि घर वाले शरीक नहीं होंगे तो मेरी तरफ के गवाह भी लेते आना। एक दोस्त से मैंने उधार कपड़े मांगे और मुकर्रर जगह पर पहुंची और निकाह हो गया। काजी साहब ने फीस के अलावा मिठाई का डिब्बा भी मंगवा लिया, तो अब हमारे पास 6 रुपये बचे। बाकी झोपड़ी पहुंचते पहुंचते 2 रुपये बचे। मैं लालटेन की रोशनी में घूंघट काढ़े बैठी थी। शायर ने कहा, 2 रुपये होंगे? बाहर मेरे दोस्त बगैर किराए के बैठे हैं, मैंने 2 रुपये दे दिए। फिर कहा, भाई हमारे यहाँ बीवी नौकरी नहीं करती। नौकरी से भी हाथ धोए। घर में हर रोज तालीम याफ्ता शायर और नकाद आते और इलिट की तरह बोलते। कम अज कम मेरे खमीर में इल्म की वहशत तो थी ही, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी भूख बर्दाश्त ना होती। रोज घर में फलसफे पकते और हम मंतिक खाते। एक रोज झोपड़ी से भी निकाल दिए गए, ये भी पराई थी। एक आधा मकान किराए पर लिया, मैं चटाई पर लेटी दीवारें गिना करती और अपने जहल का शिकार रहती। मुझे 7वां महीना हुआ। दर्द शदीद था और बान का दर्द भी शदीद था। इल्म के गुरूर में वो आके झपके बगैर चला गया। जब और दर्द शदीद हुआ तो
मालिक मकान मेरी चीखें सुनते हुए आई और मुझे अस्पताल छोड़ आई। मेरे हाथ में दर्द और 5 कड़कड़ाते नोट थे। थोड़ी देर के बाद लड़का पैदा हुआ। सर्दी शदीद थी और एक तौलिया भी बच्चे को लपेटने के लिए नहीं था। डॉक्टर ने मेरे बराबर स्ट्रेचर पर बच्चे को लेटा दिया। 5 मिनट के लिए बच्चे ने आंखें खोली और कफन कमाने चला गया। बस जब से मेरे जिस्म में आंखें भरी हुई हैं। सिस्टर वार्ड में मुझे लेटा गई। मैंने सिस्टर से कहा मैं घर जाना चाहती हूं क्योंकि घर में किसी को इल्म नहीं है कि मैं कहां हूं। उसने मुझे बेबाकी से देखा और कहा तुम्हारे जिस्म में वैसे भी जहर फैलने का डर है, तुम बिस्तर पर रहो। लेकिन अब आराम तो कहीं भी नहीं था। मेरे पास मुर्दा बच्चा और 5 रुपए थे। मैंने सिस्टर से कहा मेरे लिए मुश्किल है अस्पताल में रहना, मेरे लिए फीस के पैसे नहीं है, मैं लेकर आती हूं, तुम्हारे पास मेरा बच्चा अमानत है, भागूंगी नहीं, तुम्हारे पास मेरा मुर्दा बच्चा अमानत है। और सीढ़ियों से उतर गई। मुझे 105 डिग्री बुखार था। बस में सवार हुई, घर पहुंची, मेरे पिस्तानों में दूध बह रहा था। मैंने दूध गिलास में भरकर रख दिया। इतने में शायर और बाकी मुंशी हजरात तशरीफ लाए। मैंने शायर से कहा लड़का पैदा हुआ था, मर गया। उसने सरसरी सुना और अपने नक्कादों को बताया। कमरे में 2 मिनट खामोशी रही और 3रे मिनट गुफ्तगू चालू हो गई। फ्रायड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? राबो क्या कहता है? सादी ने क्या कहा है? और वारिस शाह बहुत बड़ा आदमी था। ये बातें तो रोज ही सुनती थी लेकिन आज लफ्ज कुछ ज्यादा साफ सुनाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे सारे बड़े लोग थोड़ी देर के लिए मेरे लहू में रुके हों और राबो और फ्रायड मेरे रहम से मेरा बच्चा नोच रहे हो। उस रोज इल्म मेरे घर पहली बार आया था और मेरे लहू में कह कह लगा रहा था, मेरे बच्चे का जन्म देखो। चुनाचे 1 घंटे की गुफ्तगू रही और खामोशी आग लटकाए मुझे देखती रही। ये लोग इल्म के नाले पार करते कमरे से जुदा हो गए। मैं सीढ़ियों से एक चीख की तरह उतरी। अब मेरे हाथ में 3 रुपए थे। मैं एक दोस्त के यहाँ पहुंची और 300 रुपए कर्ज मांगे। उसने दे दिए। फिर उसने देखते हुए कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैंने कहा बस मुझे जरा सा बुखार है, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, पैसे किसी कर्ज ख्वा को देने हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अस्पताल पहुंची, बिल 295 रुपए का बना था। अब मेरे पास मुर्दा बच्चा और 5 रुपए थे। मैंने डॉक्टर से कहा आप लोग चंदा इकट्ठा करके बच्चों को कफन दें और इसकी कब्र कहीं पे भी बना दें, मैं जा रही हूं। बच्चे की असली कब्र तो मेरे दिल में बन चुकी है। मैं फिर दोहरी चीख के साथ सीढ़ियों से उतरी और नंगे पांव सड़क से दौड़ती हुई बस पे सवार हुई। डॉक्टर ने समझा शायद सदमे की वजह से मैं अपनी जहनी तवाजुन खो बैठी हूं। कंडक्टर ने मुझसे टिकट नहीं मांगा और लोग भी ऐसे ही देख रहे थे। मैं बस से उतरी, कंडक्टर के हाथ पर 5 रुपए रखते हुए चल निकली। घर 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 पहुंची। गिलास में दूध रखा हुआ था, कफन से भी ज्यादा उजला। मैंने अपने दूध की कसम खाई, शेर मैं लिखूंगी, शायरी मैं करूंगी, मैं शायरा कहलाऊंगी। और दूध बासी होने से पहले ही मैंने एक नज़्म लिख ली थी। लेकिन तीसरी बात झूठ है, मैं शायरा नहीं हूं, मुझे कोई शायरा ना कहे, शायद मैं कभी अपने बच्चे को कफन दे सकूं। आज चारों तरफ से शायरा शायरा की आवाजें आती है लेकिन अभी तक कफन के पैसे पूरे नहीं हुए। ये हैं सारा शगुफ्ता। अगर आप नेट पे जाएंगे और अगर आप सारा शगुफ्ता टाइप करेंगे तो आपको इनकी नज़में मिलेंगी। नसरी नज़्म का बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की शायर। हर इंसान को पढ़ाई करने का और अपना जीवन जीने का हक है। हर इंसान को हक है कि वो अपनी जबान को चुने। हर इंसान को हक है
कि वो अपने मजहब को चुने, अपने धर्म को चुने, हर इंसान को खुश रहने का, नई नई जबानें बोलने का, सीखने का हक है। आइए हम किसी के हक को ना छीनें, आइए हम सारा शगुफ्ता की शायरी की तरफ बढ़े, एक ऐसी शायरी जिसमें कि त्रासदी है, एक ऐसी शायरी जिसमें कि एक नई आवाज़ है, नई खनक है, नई बातें, आइए उनको पढ़ें और अपने इल्म का हिस्सा बनाएं। आदाब, नमस्कार, थैंक यू।